रहीम यार खान से ब्यूरो चीफ मोहम्मद अकमल की रिपोर्ट है कि रहीम यार खान से नवा इलाका रुकनपुर बस्ती हबीब कोट का 30 साला जहूर अहमद जो कि 5 साल की उम्र में बुखार आने की वजह से अपना जहनी तवाजन खो बैठा। जहूर अहमद जहनी माजूर है, वालदीन की मुखैर हजरात से इमदाद की अपील है ताकि इलाज करवा सके। रहीम यार खान से नवा इलाका रुकनपुर बस्ती हबीब कोट का 30 साला जहूर अहमद जो कि 5 साल की उम्र में बुखार आने की वजह से अपना जहनी तवाजन खो बैठा। जी मोहम्मद अकमल, क्या तफसील है? रहीम यार खान के नवाही इलाके रुकनपुर की बस्ती हबीब कोट के गरीब मेहनत कश बरकत हुसैन और वालदा ने कहा कि हमारा बेटा जहूर अहमद जो के 5 साल की उम्र तक बिल्कुल नॉर्मल था, फिर इसको बुखार हुआ, दिमाग पर बुखार का असर हुआ और गुर्बत की वजह से इलाज ना करा सकने के बाद जहूर अहमद जहनी मजूर हो गया। 25 साल हो गए हैं हमारा बेटा बीमार है और इसे मजबूरी की हालत में जंजीर से बांधा हुआ है, अगर इसे छोड़ दें तो भाग जाता है और लोगों का नुकसान करता है। जहूर अहमद के वालिद ने कहा कि मुझ में भी अब काम करने की हिम्मत नहीं और कोई और सहारा और आसरा नहीं, जिसकी वजह से गुजर बसर बहुत मुश्किल है और बेटे के इलाज कराने के लिए भी रकम नहीं। महंगाई के इस दौर में बेटे का इलाज करवाऊं, घर वालों का पेट भरूं। बरकत हुसैन का कहना था कि अगर हुकूमत सरकारी सतह पर मेरे साथ तआवुन करे और मेरे बेटे का इलाज करवाए तो मेरा बेटा जो कि हमारा वाहिद सहारा है ठीक हो सकता है। मेरे घर के हालात भी अच्छे नहीं, नौबत फाकू तक आ पहुंची है। हमारी हुकूमत और मुखीर हजरात से अपील है कि हमारी इमदाद की जाए। कैमरामैन इमरान मलिक के साथ मोहम्मद अकमल पाक, हफ्त जबान न्यूज, रहीम यार खान। जी मैं नया तो गरीब बंदा हूँ, इसका इलाज वास्ते कोई हुकूमत को अपील करें, हुकूमत इंतजाम करे इलाज का। असा तो रोजी पूरे अपने अपनी रोजी नहीं पूरी थी, नहीं तो ऐसा इलाज क्या करेंगा। 25 साल तो बीमार है, पहले सियाणा है बिल्कुल ठीक ठाक, बड़ा उन्हें बीमार था, असा बड़ा नहीं संभाल आया।